मैनेजर की नौकरी छोड़ पाली बकरियां, आज कमा रहे हैं लाखों। पढ़िए दिलचस्प कहानी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के कुटलहर विस्तृत क्षेत्र के कठोर निवासी अजय जसवाल हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। ब्रिटानिया सरीखी कंपनी से मैनेजर की नौकरी छोड़कर अजय ने बकरी पालन के व्यवसाय को चुना। पिता के आकस्मिक देहांत के बाद नौकरी छोड़ने को मजबूर हुए अजय जसवाल ने मार्च 2019 में बंगाणा पशुपालन विभाग से संपर्क किया। उन्हें बकरी पालन के बारे में जानकारी दी गई। आज कठोर निवासी अजय जसवाल का 12.5 करनाल में बकरियों का फार्म है। इसमें 40 बकरियां और 8 बकरे हैं। इनके पास बीटल नस्ल की बकरियां हैं। बीटल बकरी की सबसे टॉप नस्ल है। अजय जसवाल का फार्म देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अजय ने बताया कि मार्केट में एक बकरे की कीमत 20 से 30 हजार रुपए है। अजय का कहना है कि पशुपालन विभाग ने उन्हें बकरी पालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी, दवाइयां और खुराक भी दी। वे अपने फार्म में अजोला उगा रहे हैं, साथ ही सहजन के 20 पौधे भी लगा रखे हैं। यह पशुओं के लिए जबरदस्त खुराक है। कुटलहड़ की थड़ा पंचायत के कोलका निवासी यूसुफ हदीन की भी सफलता की कहानी कुछ ऐसी ही है। BPL में शामिल यूसुफ हदीन को अक्टूबर 2018 में प्रदेश सरकार ने 60% सब्सिडी पर 10 बकरियां और एक बकरा दिया। उन्हें अपनी जेब से लगभग 24,000 रुपए देने पड़े, बाकी की सब्सिडी प्रदेश सरकार ने दी। यूसुफ हदीन बताते हैं कि उन्होंने अपने निवेश की राशि एक साल से पहले ही पूरी कर ली। आज उनके पास 20 बकरियां हैं, इनमें से 10 गर्भवती हैं। यूसुफ हदीन को मनरेगा के तहत बकरियों का शेड के लिए 35,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली। जल्द ही वह अपनी बकरियों को शेड में रखेंगे। BPL श्रेणी में आने वाले मतोह निवासी अर्जुन सिंह के लिए भी बकरी पालन आय का बेहतरीन माध्यम बन गया है। आज उनके पास लगभग 70 बकरियां हैं। सितंबर 2018 में प्रदेश सरकार ने उन्हें 60% सब्सिडी पर 10 बकरियां और एक बकरा दिया था। बकरी पालन के व्यवसाय से ही उन्होंने घर बना लिया है और 2 बेटियों की परवरिश भी हो रही है। परिवार का खर्च बकरी पालन और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से हो रहा है। सरकार ने उन्हें भी बकरियों का शेड बनाने के लिए 35,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। बंगाणा ब्लॉक के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र ठाकुर का कहना है कि बकरी पालन बेरोजगारों के लिए आय का अच्छा साधन है। बंगाणा में कई युवाओं ने बकरी पालन से स्वरोजगार को अपनाया है। पशुपालन विभाग इस काम में हर संभव सहायता करता है। चिकित्सीय परामर्श के साथ साथ विभाग अजोला उत्पादन तथा सहजन के पौधे भी वितरित करता है। यह दोनों ही जानवरों का सुपर फूड है, जिसे खिलाने से पशु स्वस्थ रहता है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि इस वर्ष प्रदेश सरकार बकरी पालन पर 20 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। उनका कहना है कि बकरी के दूध की बाजार में अच्छी मांग है और गाय या भैंस के दूध की तुलना में बकरी का दूध काफी ऊंचे दाम पर बिकता है।